हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? कैसे हो सारे के सारे दोस्तों? शानदार हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो, बेहतरीन हो। चलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप अच्छा कर रहे हैं, ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ ना। एंड मेहनत भी कर रहे हैं अपने इस विषय को लेकर के, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सारे मेहनती हैं और अपना मेहनत से अपना 100% जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आज जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि बच्चों आप जो है वो जुड़े रहे हैं, वोकैबलरी की क्लास भी आप लोगों की बराबर कराएंगे, है ना, और वोकैबलरी के ऊपर भी जम के जो है वो मेहनत करेंगे। ऐसा मैंने आप सब लोगों को बोला था, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, है ना। मैंने बोला था कि वोकैबलरी की भी चिंता मत करना भाई, वोकैबलरी भी आप लोगों की हम डिस्कस करेंगे, वोकैबलरी के ऊपर भी बातचीत होगी। तो आज पहले मैं थोड़े से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही आप लोगों को कराने वाला हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एग्जाम में बार बार आते हैं ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो मैं आप लोगों के लिए, सभी के लिए लेके आया हूँ ना। तो भैया, जो भी बच्चे जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं किया है, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो और सारे बच्चे जो है जुड़ जाएं, है ना। बहुत उम्मीदों से आप लोगों के लिए ये क्लास लेकर के आते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सारे के सारे जो है वो हमारे साथ में इस क्लास के लिए मेहनत करो, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, है ना। मेहनत भी कर ये रहे हैं आशा करना, अपने उम्मीद इस करना विषय गलत को नहीं लेकर है। के, अपने सब्जेक्ट्स को चलो लेकर के। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो भैया ना, जो जो बच्चा सेशन को रोजाना आता है, इस सेशन को देखना चाहता है, फटाफट से सेशन को शेयर कर दे भैया ना। ठीक है जी, तो दोस्तों देखते हैं आज कौन कौन से वन वर्ड के क्वेश्चन जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं वन वर्ड का डिस्कशन करूंगा, इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेने वाला हूं, और पहले वन वर्ड का डिस्कशन करने के बाद में हम फिर एज यूजुअल वोकैबलरी की तरफ बढ़ेंगे। इतने दिनों से हम क्या कर रहे थे, पहले वोकैबलरी का डिस्कशन कर रहे थे और उसके बाद में हम, सॉरी, पहले ग्रामर का डिस्कशन कर रहे थे और उसके बाद में जो है वो थोड़ा बहुत वन वर्ड का डिस्कशन कर रहे थे, छोटी मोटी वोकैबलरी आप लोगों को पढ़ा रहा था, बट आज मैं उल्टा करने वाला हूँ, है ना। तो देखो, पहला वर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, डिप्लोमेटिक, ठीक है। तो राजनयिक आपके जो एटिकेट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक राजनयिक आपके जो एटिकेट्स होते हैं, जो मैनर्स होते हैं, उनको उनको क्या कहा जाता है, स्टेटस मैनशिप कहा जाता है उनको, डिप्लोमेसी कहते हैं उनको, हायरकी बोलते हैं या उनको प्रोटोकॉल कहते हैं ना। तो आप लोगों को बता दूं कि जो आपका सही आंसर होने वाला है वो आपके प्रोटोकॉल होने वाला है। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक यहां पे मेरा मतलब जो है, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेसी से मेरा मतलब ये है कि आप लोग जो राजनीतिक रूप से, आपके जो राजनीतिक जो मैनर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रोटोकॉल वर्ड का प्रयोग करते हैं। फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई प्रधानमंत्री किसी देश का आता है, तो हमारे प्रोटोकॉल क्या बनता है, हमारे मैनर्स ये कहते हैं कि साहब उनको लेने के लिए एयरपोर्ट जाएं, जाते हैं ना। जैसे मान लो वो एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं तो उनको लेने के लिए मोदी जी पहुंच गए। तो ये जो है वो बेसिकली किसके दायरे में आता है, प्रोटोकॉल के दायरे में आता है ना। तो अच्छा वर्ड है प्रोटोकॉल, बहुत ही प्यारा वर्ड है ना। आई होप आप लोगों का आंसर सही है, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। उसके बाद देखो दूसरा वर्ड आप लोगों के सामने, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, है ना। तो किसी हाई पोजीशन को या फिर आपके टू रिनाउंस करना, हाई पोजीशन को, अथॉरिटी को या कंट्रोल को, क्या कहलाता है, एबडक्ट कहलाता है, अबंडन कहलाता है, अबोर्ट कहलाता है और एबडिकेट कहलाता है, क्या कहलाता है ना। किसी अच्छी हाई पोजीशन को त्याग देना, छोड़ देना आपके, क्या कहलाता है। अब बच्चों यहां पर जैसे ऑप्शन है ना, वो आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन है जिनकी, जिनको देख करके आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो या जिनके अंदर आप गलतियां कर सकते हो। मतलब अच्छे ऑप्शन है, थोड़े ढंग के लेवल के ऑप्शन है ना। हाँ, ये कैमरा थोड़ा सा मुझे हिला हुआ सा लग रहा है, कैमरा थोड़ा सा हिला हुआ है या मेरा दिमाग हिला हुआ है, समझ नहीं आ रहा। आई होप कैमरा नहीं हिला हुआ है। अब आई गेस ठीक है क्या, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है सेटिंग में। ठीक है, टू रिनाउंस अ हाई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, एबडक्ट, अबंडन, अबोर्ट और एबडिकेट। हाँ जी ठीक है, क्या करेंगे, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, एबडक्ट हो गया,
अबंडन हो गया, अबॉर्ट हो गया और एबडिकेट हो गया, क्या करेंगे भैया? देखो एबडिकेट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, है ना। देखो अबंडन आप किसको करते हो, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका, ध्यान से देखेंगे ना। अबंडन करते हैं आप किसी प्लेस को, कोई प्लेस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, राइट, या फिर कोई पर्सन हो गया, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप उसके लिए कौन से वर्ड का प्रयोग करोगे? अबंडन का। एबडक्ट का मतलब होता है किसी का अपहरण कर लेना। अबोर्ड जनरली हम करते हैं किसी मिशन के लिए या किसी पर्पज के लिए, कोई मिशन हो गया या कोई पर्पज हो गया। देखो चारों ही वर्ड आपके त्यागने से संबंधित है, मतलब ऊपर वाले एबडक्ट को छोड़ करके तीन जो वर्ड है उनका मतलब आपके त्यागना होता है, किसी चीज का त्याग कर देना। अबंडन का मतलब भी आपके त्यागना होता है, अबॉर्ट का मतलब भी आपके त्यागना होता है, और एबडिकेट का मतलब भी आपके त्यागना होता है। अगर हम हिंदी में इनके मीनिंग के बारे में बात करें तो तीनों का मतलब भी आपके त्यागना होता है, लेकिन तीनों अलग अलग चीजों को त्यागने के पर्पज से इस्तेमाल होते हैं। जब आप अबंडन का प्रयोग करते हो तो किसी जगह को, प्लेस, बिल्डिंग या पर्सन को त्यागने के लिए आप अबंडन लगाओ। जब आप किसी मिशन को या किसी पर्पज को त्यागना चाहते हैं, आपका कोई मिशन हो, आपका कोई पर्पज हो, या मिशन को या पर्पज को त्यागने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? अबॉर्ट का। और एबडिकेट का मतलब होता है सब आपके किसी पोजीशन को त्यागना, है ना, किसी पद को, किसी पोजीशन को, किसी पद का त्याग करना आपके क्या कहलाता है? एबडिकेट करना कहलाता है। जब आप किसी पद को त्याग दो तो उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? एबडिकेट कहते हैं। ठीक है जी, तो आपके चारों ही बढ़िया वर्ड थे, चारों ही बड़े शानदार वर्ड थे, है ना। आओ बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का क्या है। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी। एंट्रिटी का मतलब होता है बच्चों रिक्वेस्ट, हम बोल सकते हैं, राइट, रिक्वेस्ट करने से जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सब आपके, है ना। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, जब आप किसी को एंट्रीट करते हो तो आप उसे रिक्वेस्ट करते हो कि भैया ये हमारा कार्य जो है कर देना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ना। तो एंट्रिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्ड है, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, राइट, रिक्वेस्ट या एंट्रिटी से, जिसपे एंट्रिटी से किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़े तो उसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ भाई। हाँ जी, चाहे रिक्वेस्ट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज के होने से, रोकने से, मतलब उसको रोका नहीं जा सकता है, इस तरीके का मीनिंग यहां पे आएगा। ठीक है, चलो अब देखो मैं कुछ ऑप्शन यहां पे आपके कैंसल आउट भी करूंगा। जैसे कि पहला ऑप्शन आप लोगों के पास में है रिगोरस, तो ये बेसिकली आपके बहुत ही कठिन मेहनत को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है वर्ड। जब आप अपना तन मन धन से किसी चीज के, यू नो, मतलब आप बहुत अधिक मेहनत करो, काफी हार्ड वर्क करके किसी चीज को जो है वो पाते हो, तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं कि उसने कैसी मेहनत करी? रिगोरस मेहनत करी। कैसी मेहनत करी? रिगोरस, राइट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप बोलो कि किसी ने रिगोरस वे में अपना काम किया, इसका मतलब उसने मेहनत करी है, उसने अपने एफर्ट्स डाले हैं, तो रिगोरस का मतलब होता है हार्ड वर्क, मेहनत। ठीक है, अच्छा दूसरा आपके सामने वर्ड देखो बच्चों, दूसरा आपके सामने वर्ड है वो है आपके सामने नेग्लिजेंट। तो नेग्लिजेंट का मतलब होता है साहब जो आपके लापरवाही से किसी एक्शन को या एक्टिविटी को करता है, ढंग से अपना परफॉर्म नहीं करता है, उसको हम नेग्लिजेंट बोलते हैं, तो नेग्लिजेंट भी आपके गलत हो गया। डेस्पोटिक हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके रूलर होता है, किसी शासक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, डिक्टेटर जैसा, जो शासक हो, जो डिक्टेटर जैसा हो, रूलर, रूलर से मेरा मतलब है शासन करने वाला, जो इस तरीके से रूल करता हो कि वो अपना शासन चलाना चाहता हो, और वो भी किसके दम पे? क्रूरटी के दम पे, हिंसा के दम पर अपना शासन चलाना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम डेस्पोटिक वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये भी आपके ऑप्शन नहीं आएगा। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इनएक्सोरेबल, जिसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को रोक नहीं पा रहे हो, किसी भी हालत में जब कोई 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 भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जब आगे नहीं बढ़े, किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपके इनएक्सोरेबल बोलते हैं, ना, तब उसे हम उसे क्या बोलते हैं? इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके चौथे क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, तो जो सैंपल के रूप में काम कर रहा हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो, ऐसा कोई पोर्शन हो, उसको हम आपके क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकेशन बोलेंगे, स्पेक्टर बोलेंगे, स्पेक्टेकल बोलेंगे, या फिर आपके स्पेसिमेन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल, जो सैंपल के रूप में काम कर रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिकेशन बोलेंगे, स्पेक्टर बोलेंगे, स्पेक्टेकल बोलेंगे, या स्पेसिमेन बोलेंगे? हाँ जी, सोच समझ करके आंसर करें। हाँ जी, अरे ये बहुत बार इस्तेमाल होता है,
किताबों के ऊपर लिखा हुआ होता है, अगर किसी ने किताबों को नोटिस किया हो तो, किसी ने, हाँ जी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर किसी ने किताबें जो है थोड़ी बहुत किताबें पढ़ते करते हो तो किताबों के ऊपर लिखा हुआ होता है स्पेसिमेन कॉपी, किसी ने नोटिस किया है क्या? मतलब ये नॉट फॉर सेल, स्पेसिमेन कॉपी सैंपल है ना, नॉट फॉर सेल, किताबों के ऊपर किसी ने देखा हो नॉट फॉर सेल, ये कैसी कॉपी है आपके? स्पेसिमेन कॉपी है, स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल है ना। तो ये आपके ऑप्शन नंबर फोर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। स्पेक्टिकल का मतलब होता है आपके दृश्य, स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है? दृश्य होता है, स्पेक्टर स्पेसिफिकेशन, ये कोई भी जो है आपके सही आंसर नहीं होगा। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, हाँ जी द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट क्या कहलाएगा? इलेक्शन कहलाएगा, रेफरेंस कहलाएगा, पॉपुलैरिटी कहलाएगा, रेफरेंडम कहलाएगा, हाँ जी द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट क्या कहलाएगा? इलेक्शन, रेफरेंस, पॉपुलैरिटी और रेफरेंडम, व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? हाँ जी द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, मतलब पॉपुलर वोट से मेरा मतलब ये है कि मतलब आपने वोटिंग कराई और उसके बाद में जनता का जो भी जवाब आया, मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने, इसको हम हिंदी में ये भी बोल सकते हैं जनमत संग्रह। एक शब्द में अगर मैं इस वर्ड को रिप्रेजेंट करना चाहूं कि यहां पर जो पूछा गया है उसका मीनिंग क्या है, कौन सा शब्द आपको चाहिए, तो जो सही शब्द है वो कौन सा आया बच्चों? वो आया है जनमत संग्रह। अब ये जो जनमत संग्रह है, पॉपुलर वोट है, जिसके आधार पे आप बेसिकली किसी प्रपोजल को सबमिट करना चाह रहे हो, इलेक्शन, रेफरेंस, पॉपुलैरिटी या रेफरेंडम, तो हम इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेफरेंडम। तो जिन भी बच्चों ने रेफरेंडम आंसर दिया है उन सारे बच्चों का सही हो गया, जिन भी बच्चों ने रेफरेंडम आंसर दिया है उन सबका सही हो गया है, बाकियों का गलत हो गया है। हाँ जी क्या आपका आंसर रेफरेंडम है? बिल्कुल सही जवाब है, अगर रेफरेंडम है तो आप लोगों का सही हो गया ना। पांचवें वर्ड की तरफ, छठे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अ होलो ऑब्जेक्ट used to contain something, a hollow object used to contain something, जिसके अंदर कोई चीज होती है, खाली ऑब्जेक्ट जो होता है जिसके अंदर कोई चीज होती है वो क्या कहलाता है? प्लेटर बोलते हैं, साल्वर बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं या रिसेप्टेकल बोलते हैं। अ होलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, अच्छे वर्ड हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी देखो बच्चों, एक तरीके से ये क्या है, होलो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम कोई चीज रखते हैं ना, एक तरीके से हमें यहां पर कंटेनर का सिनोनिम चाहिए। किसका सिनोनिम चाहिए? कंटेनर का, कंटेनर का सिनोनिम चाहिए, ध्यान रखना बच्चों, हमें किसका सिनोनिम चाहिए? कंटेनर का, ध्यान रखेंगे इस बात का। ये जो टिन बॉक्स होता है ना जिसके अंदर आपको सामान रखते हो, टिन बॉक्स हो गया, कंटेनर हो गया, उसका, उसको रिप्रेजेंट करने वाला आपको वर्ड चाहिए है ना। और ये बाकी के वर्ड जो हैं ये भी काफी अच्छे वर्ड हैं। प्लेटर आपके प्लेट होती है ना, जिसके अंदर आपके डिश ऑलरेडी होती है, तो प्लेटर किसको बोल दोगे? जैसे कि मान लो आपके प्लेट हो गई और उस प्लेट में खाने का सामान हो गया, तो उसको मिला करके हम क्या बोल देते हैं? आपके प्लेटर बोल देते हैं ना, प्लेट जिसमें खाने का सामान हो गया क्या बोल देंगे उसको? प्लेटर बोल देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके क्या हो गई? साल्वर आपके सामने है, पहला प्लेटर हो गया, दूसरा आप लोगों के सामने क्या हो गया? साल्वर हो गया। साल्वर क्या है आपके? ये भी प्लेट होती है या डिश होती है या फिर ट्रे होती है, ये भी आपके प्लेट, डिश या ट्रे होती है। प्लेट आप सब लोगों को पता ही है, ये तो एक दूसरे के सिनोनिम ही हो गए एक तरीके से है ना, ये तो एक दूसरे के सिनोनिम ही है ये दोनों वर्ड। तो अब यहां पर आपको ये दोनों तो होंगे नहीं, प्लेटर आपके क्या हो गया? प्लेट विद फूड, प्लेट विद फूड, उसमें जिसमें फूड हो वो आपके क्या हो गया? प्लेटर हो गया। सही आंसर होगा आपके रिसेप्टेकल। ये हम किसको बोलते हैं? किसी टिन बॉक्स को बोलते हैं जिसमें आप कोई सामान रख सकते हो, टिन का जो डब्बा हो गया, बॉक्स हो गया, होलो ही तो होता है वो। होलो का मतलब होता है बच्चों खाली, या फिर मतलब जो बेसिकली जो गहरा खाली डब्बा होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो रिसेप्टेकल होगा, जिन्होंने भी रिसेप्टेकल कहा है उन सबका सही हो गया। देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन देखो एग्जाम हमेशा आपके इजी आएगा, आप ऐसे मान नहीं सकते हो, कई बार एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग इसे फॉलो करें क्लास को। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आप लोगों के सामने है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो आपके अंदर की जो फीलिंग्स होती है, जो जो आपको ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है,
उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेवरनेस बोलते हैं, कॉन्साइंस बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं या फियर बोलते हैं? देखो भाई बताओ, सोच समझ करके आंसर करना। आपके अंदर की जो भावना है ना, ध्यान से देखना, आपके अंदर की जो भावना है जिससे आपको पता होता है क्या सही है या क्या गलत है, अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज, मेरे अंतरात्मा की आवाज मुझे ये कह रही है कि ऐसा होना चाहिए। तो आपके मन की, आपके अंतरात्मा की जो आवाज होगी उसे हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आंसर करो। क्लेवरनेस तो नहीं होगा, ये तो चालाकी होती है, डर भी नहीं होगा, ये भी आसान है। कॉन्शियसनेस और कॉन्साइंस में आप लोगों को एक वर्ड को चूज करना है। तो कॉन्शियसनेस होती है आपके होश में होना, होश में होना साहब आपके, अगर आप दिलो दिमाग से होश में हो, होश में होना आपके क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस कहलाता है, राइट। और कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है साहब आपके? कॉन्साइंस का मतलब होता है कि आपकी अंतरात्मा की आवाज जो आपको सही और गलत के बीच में अंतर बताती है, वो आपके कॉन्साइंस कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन में किसी प्रिजनर को जब जेल से रिलीज किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पेरोल बोलते हैं, पार्ले बोलते हैं, पार्डन बोलते हैं या एक्विटल बोलते हैं। चारों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं, चारों ही बड़े प्यारे वर्ड हैं, ठीक है। पार्ले तो आपके डिस्कशन होता है, कोई मतभेद होता है, प्रॉब्लम होती है ना, उसको सुलझाने के लिए जो आपस में बैठ करके लोग डिस्कशन करते हैं उसको पार्ले बोलते हैं, है ना। हाँ जी बिल्कुल 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 सही जवाब दिया है तीसरे का। हाँ सही जवाब है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो समझौता बोलते हैं हिंदी में, है ना, या संधि वार्ता। देखो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है पार्ले का, वो संधि वार्ता होती है ना, संधि वार्ता होती है। तो ये पार्ले तो नहीं होगा, ये तो आपके संधि वार्ता है, संधि वार्ता पार्ले, राइट। तो ये नहीं होगा। पार्डन का मतलब आपके माफ करना होता है, एक्विटल का मतलब भी आपके छोड़ देना होता है, पेरोल का मतलब क्या होता है? पेरोल का मतलब होता है जब आप पेरोल पे हो तो इसका मतलब ये हो गया साहब आपके कि आप जो है वो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको जेल से, प्रिजनर से छोड़ दिया गया है साहब आपके, है ना। नाइन्थ आप लोगों के सामने लॉस ऑफ मेमोरी। तो लॉस ऑफ मेमोरी आपके क्या कहलाएगा? एम्ब्रोजिया कहलाएगा, एमनेजिया कहलाएगा, इंजोमनिया कहलाएगा या फॉरगेटिंग कहलाएगा? हाँ जी, लॉस ऑफ मेमोरी आपके क्या कहलाएगा? एम्ब्रोजिया ना, एमनेजिया, इंजोमनिया, फॉरगेटिंग? करो आंसर करो, ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, आसान। एम्ब्रोजिया इज अ वेरी गुड वर्ड। एम्ब्रोजिया का मतलब होता है साहब आपके कोई ऐसी चीज जो बहुत प्लीजेंट हो, जिसको सुन करके समझ करके बड़ा आनंद आए, बड़ा अच्छा लगे, आपके क्या कहलाता है? एम्ब्रोजिया कहलाता है, राइट, एम्ब्रोजिया, ठीक है। हाँ जी, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, तो एम्ब्रोजिया तो प्लीजेंट चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये होगा नहीं। इंजोमनिया का मतलब होता है आपके नींद नहीं आना, नींद नहीं आने की जो बीमारी होती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो आपके इंजोमनिया कहलाती है, ये नहीं होगा। फॉरगेटिंग भूल जाना होता है, एमनीजिया इज द राइट आंसर, है ना। तो लॉस ऑफ मेमोरी आपके क्या कहलाएगा? एमनीजिया कहलाएगा, ऑप्शन नंबर टू जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। तो हेल्पलेसली अगर आप स्ट्रगल करते हो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लाउंडर करना, फाउंडर करना, फंबल करना या फिंगर करना, ठीक है। फ्लाउंडर, फाउंडर, फंबल और फिंगर, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली क्या कहलाएगा? अरे जब आप बोल नहीं पाओ ना, स्ट्रगल करो, तो फ्लाउंडर नहीं होता, फ्लाउंडर भी नहीं होता, फिंगर भी नहीं होता, फंबल करना कहलाता है। अटक अटक करके बोलते हैं ना, मैं तुम्हें समझने किरण जो शाहरुख खान करता था ना, वो फंबल करना कहलाता है ना। जब आप किसी बात को अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो, अटक रहे हो, बोली आपकी अटक रही है, तो उसे हम आपके क्या बोल रहे हैं? फंबल बोल रहे हैं ना, ठीक है जी, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, तो मतलब कोई ऐसी पोस्ट जिसमें काम तो ना के बराबर है लेकिन उसके अंदर बेसिकली आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है। तो ना के बराबर काम है लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर बोलते हैं, ट्रस्टी बोलते हैं, साइनिक्योर बोलते हैं या ऑम्बडसमैन बोलते हैं।
ऑम्बड्समैन तो वो आपके होता है जो बेसिकली ये चेक करता है कि कानून का पालन या रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन सही तरीके से हो रहा है क्या। मतलब जैसे मान लो आपके ऑब्डसमैन कौन होते हैं, जो कि बेसिकली इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी नियम कायदे बनाए गए हैं उनको सही प्लान तरीके से उनका पालन तो हो रहा है। तो एक तरीके से ये बेसिकली आपके ध्यान रखने वाला होता है सब आपके कानून का, है ना। तो अब देखो ट्रस्टी तो नहीं होगा, डायरेक्टर भी नहीं होगा। आप लोगों को बता दूं कि कई बार एक बार लोगों को ऐसी पोस्ट दे दी जाती है जिसमें उनका काम ना के बराबर होता है लेकिन उनकी सैलरी जो है वो बहुत हाई होती है। हम फाइनल की ओर बोल सकते हैं, इंडिया में जैसे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना, तो प्रेसिडेंट के पास में ऐसा कुछ काम नहीं है, वो एक तरीके से साइने की ओर ही पोस्ट है ना। वहां पर आपको बहुत अधिक सैलरी मिलती है और लेकिन वहां पर बहुत अधिक काम नहीं होता है। तो इंडिया के पास में जो प्रेसिडेंट वाली पोस्ट है या फिर ऐसे भी और भी बहुत सारे काम होते हैं जहां पर बेसिकली आपको हाई सैलरी दे रहे होते हैं लेकिन आपके पास कोई काम नहीं होता है, तो वही साइने की ओर कहलाता है। तो ये भी काफी अच्छा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली, है ना। हाँ जी, मतलब किसी चीजों को पूरी तरीके से कवर कर लेना, पूरी तरीके से चारों ओर से घेर लेना आपके क्या कहलाता है, एनगल्फ करना, इम्बाइब करना, ड्राउन करना या प्लंज करना। प्लंज आपके बहुत प्यारा वर्ड है बच्चों, है ना, और अच्छा वर्ड है, राइट। आगे बढ़ो, अगर कोई चीज प्लंज कर जाती है तो वो गिर जाती है सब आपके, है ना, नीचे आ जाती है ना। ड्राउन का मतलब आपके डूब जाना हो जाता है, राइट। अब बच्चों, बच्चा आपके पास में एनगल्फ और इम्बाइब, इम्बाइब भी आपके नहीं होगा, सही आंसर होगा एनगल्फ करना। और हम इसका प्रयोग फायर के लिए बहुत करते हैं। एग्जांपल सेंटेंस लेता हूं जिससे कि आप लोगों के ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो। मैंने सेंटेंस लिखा फायर एनगल्फ्ड, फायर एनगल्फ्ड, फायर एनगल्फ्ड द हाउस, द फायर एनगल्फ्ड। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जो आग है, जो फायर है, उसने घर को पूरी तरीके से घेर लिया है, उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है ना। तो फायर ने हाउस को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया, फायर एनगल्फ द हाउस, ये करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे बोलो भाई। हाँ जी, सब बच्चों को समझ में आई, अच्छे से समझ में आई ना। फायर एनगल्फ द हाउस मतलब आग ने पूरे घर को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है, पूरी तरीके से अपना अपने को कवर कर लिया है ना। अब बढ़ते हैं आगे 13वें वर्ड की तरफ। 13वां वर्ड क्या है, पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। तो जो डेकोरेटिवली लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर, कोलियर, कोरियोग्राफर और कार्टोग्राफर, क्या बोलेंगे। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो डेकोरेटिवली लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर, कोलियर, कोरियोग्राफर और कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर तो आपके मैप मेकिंग का काम करता है। हाँ जी, है ना। इसका काम क्या होता है, चारों का काम बता देता हूं। मैप, मैप बनाने वाला, मैप मेकिंग का कार्य करने वाला आपके कार्टोग्राफर होता है। कोरियोग्राफर ये डांस के स्टेप डिजाइन करता है, डांस स्टेप को डिजाइन करने वाला कोरियोग्राफर हो गया। हाँ जी, अब बचा आपके पास में कैलीग्राफर और कोलियर, दोनों में युद्ध है और अगर दोनों में से आपने एक को चूज कर लिया तो आपका काम हो गया। हाँ जी, जल्दी से, जल्दी से आंसर आना चाहिए सारे बच्चों का। जो भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट से आंसर करो। हाँ जी, तो कोलियर तो बच्चों हम आपके शिप के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जो जिसके अंदर कोल होता है, मतलब जो कोयले को लेकर के जाने वाला जो शिप होता है उसको हम कोलियर बोल देते हैं। तो ये भी आंसर आपके नहीं होगा, आई मीन इसको भी कैंसिल करो, इसको भी कैंसिल करो। कैलीग्राफर जो होता है वो व्यक्ति होता है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। देखो बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में दो शब्द होते हैं और दोनों ही बड़े प्यारे शब्द है ना। पहला वर्ड है कैको, और कैको का मतलब होता है बैड, है ना। आई गेस इसकी राइटिंग थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी मुझे। दूसरा वर्ड आप लोगों के पास में है कैली, और इस कैली का मतलब होता है ब्यूटिफुल। कैली का मतलब क्या होता है, ब्यूटिफुल। कैको का मतलब बैड और कैली का मतलब ब्यूटिफुल, है ना। तो जब आपके पास में वर्ड होता है कैकोग्राफी, कैकोग्राफी का मतलब क्या हो गया सब आपके, बैड हैंड राइटिंग, मतलब ऐसी हैंड राइटिंग जो आपके बुरी है उसको हम क्या बोलते हैं, आपके कैकोग्राफी बोलते हैं। दूसरा आप लोगों के पास में कैलीग्राफी है, ये आपके ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग होती है, मतलब ऐसी हैंड राइटिंग जो कि आपके खूबसूरत है, ब्यूटिफुल है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके कैलीग्राफी बोलते हैं। तो ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग आपके क्या हो गया, कैलीग्राफी, और बुरी हैंड राइटिंग आपके क्या हो गया, कैकोग्राफी, है ना। सो बेसिकली यहाँ पर अच्छी राइटिंग के बारे में बात हो रही है। डेकोरेटिवली जो लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं, और बुरी जो हैंड राइटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ो साहब, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आप लोगों के सामने है पर्टेनिंग टू कैटल।
मतलब जिसका लेना देना कैटल से हो, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्टेनिंग टू कैटल, कैनाइन, फेलाइन, बोवाइन और वर्मिनस। जल्दी से आंसर करो, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, टाइम नहीं लगाना है, टाइम नहीं लगाना, ये सारे वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ जी भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी करो आंसर बच्चों। देखो ये सारे जितने भी वर्ड है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, और हाँ जी आप लोगों को इन सारों का ध्यान रखना है ना। सो बेसिकली कैनाइन जो है बच्चों, वो आपके रिलेटेड है डॉग से, है ना, जिसको समथिंग पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड, है ना, इस वर्ड को भी समझ लो, पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड, है ना, तो कोई चीज मतलब जिसका संबंध डॉग से हो, मतलब कोई ऐसी बात जिसका संबंध डॉग से हो, रिलेटेड टू डॉग्स, वो क्या हो गया आपके, वो हो गया कैनाइन, राइट। अच्छा बोवाइन जो है वर्मिनस होता है, वर्मिनो आपके वो जानवर होते हैं जो आपकी आपके घर में घुस जाते हैं, आपकी आपकी फसल को या आपके घर के जो सामान है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम वर्मिन बोलते हैं। जैसे चूहे हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे के सारे जो भी आपके चूहे बिल्ली वगैरह जो आपके नुकसान पहुंचाते चीजों को, उनको हम क्या बोलते हैं, आपके वर्मिन बोल सकते हैं। इवन पक्षी भी इसकी कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं ना। अगर मान लो कैटल से कोई चीज रिलेटेड है, तो उसके लिए जो सही वर्ड इस्तेमाल होता है वो बोवाइन होता है। तो ये वर्मिनस जो है वो आपके किससे जुड़ा हुआ है। हाँ जी बच्चों, सारे के सारे क्या बोल रहे हैं बालक। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही सोचा आपने, है ना। तो देखो बच्चों, वर्मिन आपके पता ही आपको क्या होता है, बोवाइन आपके कैटल से, कैनाइन आपके डॉग से, और फेलाइन आपके रिलेटेड है कैट से, बिल्ली से। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सही आंसर होगा तीन, है ना। लेकिन बच्चों ये तीनों वर्ड आप लोगों के सामने सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट्स बना करके लिख लेना, कैनाइन को भी लिख लेना, फेलाइन को भी लिख लेना, और बोवाइन को भी लिख लेना। मतलब तीनों ही वर्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनाइन भी इंपॉर्टेंट है, फेलाइन भी इंपॉर्टेंट है, और बोवाइन भी इंपॉर्टेंट है। कैनाइन रिलेटेड टू डॉग, फेलाइन रिलेटेड टू कैट, बोवाइन रिलेटेड टू काउ या कैटल। कैटल के लिए हम जो है बोवाइन वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं ना। अच्छा अगर बच्चों आपके पास में मान लो ये वर्ड आ जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, वो है ओवाइन। ओवाइन तो ये होता है रिलेटेड टू शीप, तो जो भेड़ होती है, शीप होती है, उससे रिलेटेड वर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओवाइन। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये भी आपके बहुत ही प्यारा वर्ड है। कई बार आपके सामने ये लियोनाइन भी आ जाता है, लियोनाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लॉयन से रिलेटेड हो, या लाइक अ लॉयन, लियोनाइन लाइक अ लॉयन, इसका लेना देना किससे है, लॉयन से है। लायन जानते हो ना, शेर, तो कोई ऐसी चीज जिसका लेना देना आपके शेर से हो, शेर की जैसी दिखती हो, उसको हम क्या बोलते हैं आपके, लियोनाइन बोलते हैं ना। अच्छा इसके अलावा दो तीन और वर्ड है जिसका आप लोगों को ध्यान में रखना है। कौन कौन से वर्ड है ध्यान से देखो ना, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने उर्साइन, उर्साइन, उर्साइन। और ये उर्साइन जो है वो आपके बियर से रिलेटेड होता है, भालू से। तो किसी चीज का लेना देना अगर मान लो बियर से है, भालू से है, वो भालू से मिलती जुलती है या भालू से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे, उर्साइन का। उर्साइन इज द वेरी गुड वर्ड, है ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आपके पास में दोस्तों वर्ड है लुपाइन, लुपाइन और वल्पाइन। ये भी बहुत प्यारे वर्ड है, ये आपके होमवर्क में मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि ये बेसिकली आपके किस जानवर से संबंध रखते हैं, किस जानवर से रिलेटेड है, इनका आप लोगों को पता करना है ना। कौन कौन से वर्ड है, लुपाइन और वल्पाइन, इन लोगों का आप लोगों को पता रखना है बच्चों, है ना। ये कभी भी आ सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, लुपाइन और वल्पाइन, ठीक है। तो ये सारे ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे, कैनाइन हो गया, फेलाइन हो गया, बोवाइन हो गया, ओवाइन हो गया, और उर्साइन हो गया, लुपाइन, वल्पाइन, ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक बार एक दिन मैं जो है वो सारे वर्ड लेकर के आऊंगा आप लोगों के सामने, और इनकी प्रैक्टिस भी आप लोगों से करवाऊंगा, है ना। सो टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, तो जब हम किसी से थ्रेटनिंग वे में बात करें, जब हम किसी से बेसिकली आपके उसको धमकी भरे अंदाज में, एंग्री अंदाज में बात करें, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लोवर करना कहलाता है, नॉक करना कहलाता है, नैश करना कहलाता है, या ग्राइंड करना कहलाता है,
चार वर्ड है आप लोगों के पास में, ध्यान से देखो, ग्लोवर, नो, नैश एंड ग्राइंड। ग्लोवर, नो, नैश एंड ग्राइंड, सोच समझ करके आंसर करना। ग्लोवर, हाँ जी, तो जिन भी बच्चों ने आंसर किया है ग्लोवर, उन सबका सही हो गया है, एकदम परफेक्ट आंसर है ग्लोवर। ग्लोवर का मतलब होता है किसी को गुस्से से, एंग्री वे में देखना, है ना, गुस्से से किसी की तरफ नजरों से नजरें मिलाना, आपके ग्लोवर करना कहलाता है। आप भी ग्लोवर करते हो क्या किसी की तरफ? हाँ जी, ग्लोवर करने का मतलब यही हो गया कि आप गुस्से से किसी को देखो, है ना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, तो किसी को अचानक से किसी जगह लेकर के जाना क्या कहलाएगा? टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली क्या कहलाता है? रश करना, विस्क करना, फ्लाई करना या फ्लीट करना। अब आप किसी को लेकर के जा रहे हो, यहां पर थोड़ा सा अंतर है शब्द के मीनिंग में, है ना। अब आप किसी को लेकर के जा रहे हो, करो आंसर, क्या कहलाएगा? चलो, हाँ जी, है ना, हाँ, जैसे मान लो आपके पास में सामान है, उसको आप लेकर के जल्दी जल्दी भाग रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? उसके लिए कौन सा वर्ड है? फ्लीट का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप आसानी से लाइटली आराम से जा रहे हो तो वो फ्लीट कहलाता है। ये तो नहीं होगा, रश भी नहीं होगा, फ्लाई भी नहीं होगा, सही वर्ड होता है वो विस्क कहलाता है। अगर आप विस्क करते हो तो इसका मतलब आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को, समथिंग को बहुत तेजी से और अचानक से क्विकली वहां से लेकर के भागते हो या जाते हो, सब आपके, है ना, विस्क करना कहलाता है। अच्छा वर्ड है बच्चों, है ना, वेरी नाइस वर्ड। आप में से बहुत सारे वर्ड्स आप बच्चों से आपसे होंगे नहीं, लेकिन आप लोगों को इसी दिशा में काम करना है कि भाई अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग वर्ड्स का भी डिस्कशन यहाँ पे होगा हमेशा, यू नो, लल्लू पंजू वर्ड का डिस्कशन नहीं होगा ना। वर्ड अटर्ड एम्पायसली अबाउट गॉड, तो भगवान के बारे में अगर आप मान लो एम्पायसली बोलते हो, एम्पायस का मतलब होता है, ये अपोजिट है, अपोजिट है पायस का, तो पायस का मतलब होता है आपके पवित्र, और एम्पायस का मतलब क्या होता है? एम्पायस का मतलब होता है अपवित्र, मतलब आप अपमान करो, अपमान करो, ये हो गया आपके पवित्र, और एम्पायस हो गया अपवित्र। अपमानित करते हुए भगवान को अगर आप अपने शब्दों को बोल रहे हो, अटर कर रहे हो, तो वो क्या होगा? वो ब्लेस्फेमी नहीं होगा, ब्लेस्फेमी भगवान का अपमान होता है। अच्छा सॉरी, ध्यान से रुको, मैंने आंसर को ही उल्टा बोल दिया। अब मोरल नहीं होगा, अनैतिक होता है, फिलोसफी भी नहीं होगा, वो ब्लेस्फेमी होगा ना। ब्लेस्फेमी का मतलब ही आपके ये होता है भगवान के बारे में उल्टे पुल्टे शब्दों का प्रयोग करना। एम्पायसली भगवान का नाम लेना आपके क्या कहलाता है? वो आपके ब्लेस्फेमी इंग्लिश लैंग्वेज में कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आप लोगों के सामने है क्विबल, राइट, नेक्स्ट आप लोगों के सामने है क्विबल। क्विबल क्या होता है, ध्यान से देखो, ठीक है, क्विबल का मतलब देखो, ध्यान से देखो, अरे ये तो एक तरीके से, चलो इसको छोड़ो, क्विबल को, वन हु कंप्लाइज द डिक्शनरी, छोड़ो उसको, क्विबल को, इस पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जियोग्राफर होता है, लेक्सिकोग्राफर होता है, लैपिडिस्ट होता है और लिंग्विस्ट होता है। जल्दी से, फटाफट, जल्दी से, शाबाश, शब्दों को कंपाइल करना किसी डिक्शनरी के अंदर क्या कहलाता है? सोच समझ करके आंसर करो। हाँ, तो जो कंपाइल करना होता है वर्ड्स को, वो लेक्सिकोग्राफर कहलाता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं आपके? लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलेंगे? लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, मतलब वो सेल्स जिससे कि डिजीज ऑर्गन्स रिमूव किए जाते हैं, सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, क्या कहलाएगा? अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, क्या कहलाएगा? बायोप्सी, ऑटोप्सी, ऑपरेशन एंड एम्प्यूटेशन, क्या कहलाएगा? जल्दी से आंसर करो। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, क्या कहलाएगा? हाँ जी, चलो उसे हम बायोप्सी बोलते हैं। ऑटोप्सी तो डेथ के बाद में होती है, ऑपरेशन भी नहीं होगा, एम्प्यूटेशन भी नहीं होता, है ना। एम्प्यूटेशन क्या होता है, समझ लो, अच्छा वर्ड है, एम्प्यूटेट करना, है ना। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मान लो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या गोली लग गई, इसकी वजह से आपके शरीर का कोई हिस्सा खराब हो गया,
और अगर आपको शरीर के हिस्से को काट करके अलग करना पड़ रहा है क्योंकि वो खराब हो चुका है, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, है ना, उसमें जहर फैल चुका है, राइट, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको आपको काट के अलग करना पड़ेगा, तो ऐसा जो बेसिकली इसको जो है शरीर के किसी हिस्से को काट के अलग करना बिकॉज उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसको हम एम्प्यूटेशन बोलते हैं ना, एम्प्यूटेट करना बोलते हैं। ये नहीं होगा, ऑपरेशन ऑटोप्सी मरने के बाद होती है, पोस्टमार्टम होता है ऑटोप्सी, और वो जैसे मान लो किसी को कैंसर हो गया, कैंसर की गांठ हो गई, तो ये चेक करने के लिए कि भाई उसको क्या हुआ है, जो उसकी गांठ हटा करके चेक करने जाएंगे उसको हम बोलते हैं आपके बायोप्सी। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन क्या कहलाता है? पेस, टेम्पो, वेलोड्रोम और वेलोसिटी। पीस ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? करो आंसर। हाँ जी, क्या कहेंगे उसको? पेस कहेंगे, टेम्पो कहेंगे, वेलोड्रम कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, है ना। एक डायरेक्शन में जो स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी कहलाती है। हाँ जी, वेलोसिटी कहेंगे। और जो साइंस के स्टूडेंट है, जो साइंस को जानते हैं, समझते हैं, साइंस के बारे में जिनको आइडिया है, वो जानते होंगे कि ये वेलोसिटी वर्ड क्या होता है, उनसे छुपा हुआ नहीं होगा ये वर्ड, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इनसेसेंटली। तो अगर आप एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करो और लगातार कार्य करो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में कौन सा वर्ड है? वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इनसेसेंटली क्या कहलाएगा? जॉब, क्राफ्ट, टॉयल, एक्टिविटी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हाँ, रात दिन एक करना, दिन दुनी रात चौगनी मेहनत करना। तो मेहनत करने में आप अगर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो, आप अपने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है मेहनत करने में, तो ये जो प्रोसेस होता है मेहनत करने का, ये मेहनत करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टॉयल करना बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? आपके टॉयल करना। ठीक है, क्या बोलते हैं? टॉयल करना बोलते हैं। उसके बाद में आपके नेक्स्ट आप लोगों के सामने theft of another person's writings or ideas and passing them off as one's own. तो किसी की writings को या किसी के ideas को चोरी करना और इस तरीके से पास करना जैसे कि वो उसके खुद के हो, खुद के अपने हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाँ, उन्हें हम बोलते हैं आपके plagiarism, है ना, plagiarism बोलते हैं हम उसको। burglary नहीं होती, piracy नहीं होती, pilferage आपके छोटी मोटी चोरी होती है, जैसे किसी का पेन चुरा लेना या छोटी मोटी जो चोरी कर लेते हैं उसको पिल्फरेज बोलते हैं ना। पायरेसी आपके कॉपी करना होता है, बर्गलरी भी आपके डकैती चोरी डालना होता है, पायरेसी कॉपी करना होता है, लेकिन बात हो रही है किसी के राइटिंग की, है ना। अरे, किसी ने कोई लेख लिखा और आपने उसके उसकी बातों को कॉपी करके अपना बता करके, ये मेरे शब्द हैं, आपने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, तो वो क्या कहलाएगा? उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लाजियारिज्म। क्या बोलते हैं? प्लाजियारिज्म, प्लाजियारिज्म बोलते हैं सब आपके, है ना, या प्लाजियरिज्म या प्लेजियरिज्म भी बोलते हैं ना, सही प्रोनाउंसिएशन प्लेजियरिज्म है। आगे बढ़ो। एक्सप्रेस ए प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का मतलब हो गया प्रपोजल, या फिर कोई थ्योरम हो गई या थ्योरी, इन क्लियर और डेफिनेट टर्म्स। तो किसी प्रस्ताव को प्रपोजिशन प्रस्ताव हो गया सब आपके, है ना, या फिर किसी थ्योरी को क्लियर और डेफिनेट टर्म्स में एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? पब्लिश, पोस्टुलेट, प्रोक्लेम और इनिशिएट। What is the correct answer? जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से। क्लियर और डेफिनेट वे में किसी बात को पब्लिश करना, प्रोक्लेम करना क्या कहलाता? आपके पोस्टुलेट करना कहलाता। ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, पोस्टुलेट करना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप लोगों के सामने लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड, हाँ, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। तो वो मुद्दे जो किसी मीटिंग के अंदर डिस्कस किए जाएंगे, उन उसकी जो लिस्ट होती है, उन मुद्दों की जो लिस्ट होती है टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग क्या कहलाएगी? शेड्यूल कहलाएगी, एजेंडा कहलाएगी, टाइम टेबल कहलाएगी या प्लान कहलाएगी। लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, शेड्यूल, एजेंडा, टाइम टेबल, प्लान। हाँ जी, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। करो आंसर। लिस्ट ऑफ इश्यूज, हाँ,
चलो एजेंडा कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एजेंडा, जिन मुद्दों पे चर्चा करनी है एजेंडा कहलाता है ना। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय एग्जामिनेशन क्या कहलाएगा, मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू आप ये पता करो कि क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट, जिसके बारे में किसी, सॉरी क्या लिख रखा है, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के थ्रू अगर हम किसी बीमारी का पता लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ना, डिसाइड करना यानी कि पता करना ना, डायग्नोस करना कहलाता है। अब ये इतना इजी वर्ड है, मेरे मुंह से डायग्नोस ही निकल रहा था ना, ये मेरे मुंह से क्या निकल रहा था, डायग्नोस निकलने वाला था, बच गए साहब आपके, है ना। चलो, दैट विच कैन नॉट बी इजीली रेड, जिसको हम आसानी से रेड नहीं कर सकते, जिसको हम आसानी से पढ़ नहीं सकते, क्या कहलाएगा, इलेजिबल हो गया, इनकॉम्प्रेंसिबल हो गया, अनरीडेबल हो गया या अनइंटेलिजिबल हो गया, जिसको आप आसानी से पढ़ नहीं सकते, जिसको पढ़ने में डिफिकल्टी आए, पढ़ने में जो थोड़ी सी टफ हो, कठिन हो, क्या कहलाएगा, इलेजिबल, इनकॉम्प्रेंसिबल, अनरीडेबल और अनइंटेलिजिबल, हाँ, अपठनीय। तो जिसको आप पढ़ नहीं सकते, अपठनीय जो होती है वो आपके क्या कहलाती है, वो आपके इलेजिबल कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेजिबल। ऑप्शन नंबर वन जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो गया है ना। आगे देखो, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, है ना, मतलब जो आदमी, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आदत होती है कि वो हमेशा कमियां ढूंढते हैं, कभी भी किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, वो लोग कौन होते हैं, कैसे लोग होते हैं, ठीक है, हाँ जी, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, जो किसी भी चीज में कुछ अच्छा नहीं ढूंढते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिटिक, सटायरिस्ट, साइनिक और स्लैंडर, स्लैंडरर, क्या कहलाएंगे, चलो सर आपसे बेसिक से पढ़ना है, कहां पढ़े, पहले यहां पढ़ो, तो मैं अभी फिलहाल तो बेसिक से पढ़ना बता देंगे, क्रिटिक, सटायरिस्ट, साइनिक और स्लैंडर, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, जो किसी भी चीज में कुछ अच्छा नहीं ढूंढ पाता, ठीक है, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग कौन होता है, अरे पहला सक्षम टोंक बोल रहा है, फर्स्ट क्रिटिक, गड़बड़ हो गया बेटा तुम्हारा आंसर, हाँ सही जवाब है, वैसे मजाक कर रहा हूं, क्रिटिक इज द राइट आंसर, है ना, जो हमेशा हर चीज में कमी ढूंढता है क्रिटिक कहलाता है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो वो है नहीं लेकिन होने का दिखा रहा है, कुछ और है, है ना, एक्टिंग ऐसी कर रहा है जैसे कि कुछ और है लेकिन है कुछ और, तो जो बेसिकली इस तरीके के लोग होते हैं जो कुछ और है, कुछ और ही अपने आप को दिखाते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरर, प्रमोटर, इम्पोस्टर और डिवाइनर, क्या कहलाएंगे ऐसे लोग, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, हाँ उसे हम बोलते हैं आपके इम्पोस्टर, इम्पोस्टर इज द राइट, है ना, बहरूपिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहरूपिया, बहरूपिया, तो कुछ और है, कुछ और ही अपने को दिखा रहा है, बहरूपिया कहलाता है। उसके बाद में इन अ थ्रेटनिंग मैनर, मतलब डरावने या थ्रेटनिंग मैनर में अगर कोई चीज की जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओमिनसली, स्प्राइटली, घास्टली और टेरिबली, क्या बोलेंगे, इन अ थ्रेटनिंग मैनर, ओमिनसली, स्प्राइटली, घास्टली और टेरिबली, हाँ जी, ठीक है, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ,
हाँ जी, इन अ थ्रेटनिंग मैनर आपके क्या कहलाएगा, घासली कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके 30 बेस्ट वन वर्ड थे। मैं आज तो सिर्फ आप लोगों को मैंने वन वर्ड कराया, ग्रामर वाला पार्ट नहीं कराया, लेकिन मैं रोज आप लोगों को कॉम्बिनेशन में चीजें कराऊंगा। मतलब हम कुछ वन वर्ड पढ़ेंगे और कुछ आपके, मतलब अपना कॉम्बिनेशन वाली क्लास होगी, थोड़े वन वर्ड पढ़ेंगे, थोड़े जो है वो आपके ग्रामर को पढ़ेंगे, है ना। और मैं सोच रहा हूँ ईडीएम्स का भी डिस्कशन आप लोगों के साथ में कर लूँ। तो वन वर्ड और ईडीएम्स का कॉम्बिनेशन डेली 10-10 लेकर के आऊंगा, 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड, 10 इंपॉर्टेंट ईडीएम डेली डिस्कस करेंगे, प्लस आप लोगों के सामने ग्रामर का डिस्कशन तो मुझे करना ही है ना। तो ये आपकी क्लास में डेली चलेगा, डेली का ये रहने वाला है नियम मेरी क्लास का, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, और आई होप आपको क्लास में आज मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इस क्लास को। तो बने रहें बच्चों इस क्लास में, राइट। कल फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ में, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। आपको सबको समझ तो आ रहा है ना बच्चे लोगों को, मजा भी आ रहा है क्लास लोगों को इस क्लास में। मेरे को पूरी उम्मीद है कि सारे बच्चे अभी एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। मैं आप लोगों को देखो बच्चों पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट आपको वन वर्ड भी कराऊंगा, ईडीएम्स भी कराऊंगा, सब कुछ आपको यहाँ फ्री में पढ़ा देंगे, है ना। आपको हाईकोर्ट एलडीसी के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे अगर अंग्रेजी की बात कर रहे हो तो मैं पूरा सिलेबस यहाँ पे फ्री में पढ़ाऊंगा आराम से, है ना। लेकिन मुझे समय चाहिए होता है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ाता हूँ। स्लो से मेरा मतलब ये है कि मतलब मुझे टाइम चाहिए पढ़ाने में कॉन्सेप्ट, है ना। मुझसे जल्दबाजी से चीजें नहीं होती है। आई विल बी कवरिंग योर एंटायर सिलेबस एंड यू डू नॉट हैव टू गो एनी वेयर। इट जस्ट दैट कि यहाँ रहो मेरे साथ में, क्वेश्चन को सॉल्व करो और पढ़ते रहो, पढ़ो रेगुलरली इस क्लास में, रात को 9 बजे आ जाया करो। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा एग्जाम आएगा ना, तुम ये बोलोगे कि सर सब कुछ आपने पढ़ा रखा था, ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ाई हुई थी, है ना। ये मेरा वादा आप लोगों को, ये मेरा प्रॉमिस है। चाहे तुम कम बच्चे हो, कम ही सही, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा जस्टिफाई करके जाऊँगा अपने जॉब को, ठीक है। तो कल मिलते हैं 9 बजे, अमन, हरीश, सक्षम, कल मिलते हैं ना, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पे। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।